नमस्कार दोस्तों, तो फाइनली वो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है पोको A5। अगर आप सोच रहे कि ये जो पोको A5 चाइना में जो लॉन्च होता है रेडमी K60E उसका रिब्रांडेड वर्जन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इससे पहले कहा गया था चाइना पे जो डायमेंसिटी 8200 के साथ रेडमी K60E लॉन्च हुआ है उसे ही रिब्रांड करके इंडिया पे या फिर बाकी देश में लॉन्च किया जाएगा पोको A5 नाम से। लेकिन अभी मालूम चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में या फिर इंटरनेशनल मार्केट में जो A5 लॉन्च होने वाला है सभी के सभी स्पेसिफिकेशन टोटली अलग होगा। इसलिए इस वीडियो में बात करेंगे जो पोको F5 वाला जो फोन लॉन्च होने वाला है अप्रैल पे, तो जिस प्राइस पॉइंट में आएगा तो क्या प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट अल्टीमेट वाला स्मार्टफोन होगा कि नहीं, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिना कोई बात का आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटो चैनल पे नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो पहले तो हम बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो जैसा रेडमी K60 मतलब जो ओरिजिनल वाला जो पोको F5 उसका जैसा डिजाइन होने वाला था इसका भी डिजाइन होगा एग्जैक्टली सेम। इस फोन के पीछे आपको मिलेगा ग्लास बॉडी। इस फोन का थिकनेस होगा 8.5 मिलीमीटर और वेट होगा 202 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.67 इंच फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 1200 निट्स का ब्राइटनेस, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, गोरिल्ला ग्लास 5 का डिस्प्ले प्रोटेक्शन, और इसके डिस्प्ले के सर्टिफिकेशन के नाम पे इसमें मिलेगा डॉल्बी विजन और HDR10+ दोनों का सर्टिफिकेशन। तो मतलब इन्हें सिंपल वर्ड में ये चीज कह सकते हैं बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले इसमें आपको मिलेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होने वाला इसका प्रोसेसर। कहा जा रहा है कि इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 1 प्लस या फिर जिसका दूसरा नाम है स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 2। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका अनटूटू स्कोर। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये जो नया वाला स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का प्रोसेसर जो लॉन्च होने वाला है जो कि हमें रियलमी का एक अपकमिंग फोन में मिलेगा, इसका एंटीटू स्कोर है 3 लाख के आसपास, मतलब स्नैपड्रैगन जनरेशन 1 के जैसा है। तो मतलब कह सकते हैं इसका जो प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। कैमरे में आपको मिलेगा 58.2 का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी। इसके रियर कैमरे के साथ आपको मिलेगा OIS का सेंसर। अभी ये जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा ये सोनी का होगा या फिर नॉर्मल सैमसंग का होगा इसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं। ये जो स्मार्टफोन हमें टोटल 3 वेरिएंट पे मिलेगा, 8 128 GB, 8 256 GB और 12 256 GB, टोटल 3 वेरिएंट पे आपको मिलेगा। रैम का क्वालिटी होगा LPDDR5, मेमोरी का क्वालिटी होगा UFS 3.1 और एज यूजुअल आपको कोई भी SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिलेगा। बैटरी में होगा 5000mAh बैटरी, 67W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। तो इसके बाद हमें से कुछ बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आपको इसे मिलेगा Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, कोई भी 3.5 इंच जैक नहीं मिलेगा और डुअल स्टीरियो स्पीकर ऑब्वियसली हमें मिलेगा। तो अब जो सबसे मेन चीज कब लॉन्च होने वाला, तो देखिए जितना मुझे मालूम चला है अप्रैल महीने पे कॉन्फर्म लॉन्च होने वाला है। और अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करें तो देखिए लास्ट बार का जो पोको F4 वो इंडिया पे लॉन्च हुआ था 27,000 रुपए के आसपास। तो जितना मुझे लग रहा है ये जो नया वाला फोन इंडिया पे लॉन्च हो सकता है 30-32,000 इस प्राइस रेंज के अंदर। तो अभी हर वीडियो के थ्रू से डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो स्मार्टफोन प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट डिवाइस होगा या फिर नहीं। देखिए अगर मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं तो मैंने आपको बार बार ये चीज कहा कि साल में 2-3 ऐसा स्मार्टफोन होता है जो कि प्राइस पॉइंट के अंदर का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन होता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब सब कुछ स्पेसिफिकेशन। तो मेरे ख्याल से ये जो पोको F5 लॉन्च होने वाला है अगर 30,000 के अंदर या फिर 30,000 पे लॉन्च होता है ये जो फोन बेस्ट क्वालिटी होगा। क्योंकि पहली बात तो इसका डिस्प्ले, डुअल कर्व डिस्प्ले को छोड़ के एक डिस्प्ले में उस प्राइस रेंज में जो भी स्पेसिफिकेशन हो सकता है सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। मतलब डिस्प्ले डेफिनेटली इसका बेस्ट, प्रोसेसर नो डाउट सबसे बेस्ट है क्योंकि इससे आपको मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन का स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन 2 जिसका एंटीटू स्कोर है 10 लाख के आसपास, मतलब डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया। उसके बाद कैमरा, देखिए चाहे 50 हो 60 हो 100 हो कोई भी कैमरा हो हमें कैमरा में OIS मिल रहा है, मतलब कैमरा का क्वालिटी डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया होगा। उसके साथ रैम रोम का क्वालिटी, क्वांटिटी, बैटरी चार्जिंग का कॉम्बिनेशन और बाकी स्पेसिफिकेशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो मतलब देखिए वीडियो का आखिर में यही चीज कहना चाहूंगा, अगर आपका टारगेट है 30,000 के आसपास, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा स्मार्टफोन जो कि गेमिंग में तो सबसे बेस्ट होगा और उसके साथ बाकी स्पेसिफिकेशन भी बहुत ही बढ़िया होगा, तो मेरे ख्याल से पोको F5 आप लोगों के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस होगा। तो अभी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि पोको का ये जो नया वाला फोन जो लॉन्च होने वाला है इसका स्पेसिफिकेशन देखकर आपको कैसा लगा, और अगर ये 30,000 के आसपास लॉन्च होता है तो क्या आप इसे लेना चाहेंगे या फिर कोई दूसरा फोन या फिर जो अपकमिंग रियलमी GT Neo 5 AC वाला फोन लॉन्च होने वाला है एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर के साथ आप उसे लेना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।